गोरखपुर की मशहूर गीता प्रेस। गीता प्रेस का नाम दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित धार्मिक किताबों के प्रकाशकों में आता है। इसे साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने के लिए मिला है। गांधी शांति पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की धनराशि से भी पुरस्कृत किया गया है, लेकिन गीता प्रेस ने इस राशि को लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं गीता प्रेस के बारे में सब कुछ। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हिंदू ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशक है गीता प्रेस। गोरखपुर में स्थापित गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयनका, घनश्याम दास जालन और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी। गीता प्रेस की स्थापना का उद्देश्य सनातन धर्म या हिंदू धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देना था। संस्थापकों में से एक हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के आजीवन संपादक भी थे। अपने स्थापना के 5 महीने बाद गीता प्रेस ने 600 रुपए में एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी थी। गीता प्रेस के आर्काइव्स में 3,500 से ज्यादा मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें मुद्रित। गीता प्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 41 करोड़ 7 लाख से ज्यादा किताबें छापी गई हैं। ये पुस्तकें हिंदी के अलावा 14 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें मराठी, गुजराती, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, अंग्रेजी, बंगला, तमिल, असमिया और मलयालम शामिल है। गीता प्रेस ने अब तक श्री भगवद गीता की 16 करोड़ 21 लाख से ज्यादा कॉपीज छापी हैं। इसके अलावा उसने तुलसीदास की 11 करोड़ 73 रचनाएं और पुराणों और उपनिषदों को छापा है। गीता प्रेस काम कैसे करता है ये भी जान लेते हैं। प्रेस की वेबसाइट के मुताबिक इस संस्था का प्रबंधन गवर्निंग काउंसिल ट्रस्ट बोर्ड संभालती है। गीता प्रेस ना तो चंदा मांगता है और ना ही विज्ञापनों से पैसा कमाता है। इसका सारा खर्च वहन करने वाले लोगों और संगठनों द्वारा वहन किया जाता है, जो सस्ती कीमतों पर प्रिंटिंग की आपूर्ति प्रदान करते हैं। इतिहास में पहली बार साल 2014 में हड़ताल। दिसंबर 2014 में गीता प्रेस के कर्मचारी अपने वेतन को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इसके बाद गीता प्रेस ने भी अपने 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि बाद में कर्मचारी संगठन और गीता प्रेस के ट्रस्टियों के बीच हुई बैठक में मामला सुलझ गया था। गीता प्रेस ने उन 3 कर्मचारियों को भी वापस काम पर रख लिया था, जिन्हें उसने पहले निकाल दिया था। गीता प्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो लगभग 3 सप्ताह तक बंद रहा था। गीता प्रेस क्या प्रिंट करता है, एक बार विस्तार से जान लेते हैं। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण और उपनिषद आदि को छापता है। इनके अलावा बच्चों में धर्म की समझ बढ़ाने के लिए गीता प्रेस से पुस्तकें भी प्रकाशित होती हैं। ये संस्था अब तक बच्चों के लिए 11 करोड़ से ज्यादा किताबें प्रकाशित कर चुका है। गीता प्रेस भी हर महीने कल्याण नाम की पत्रिका निकालती है। पत्रिका में भक्ति, ज्ञान, योग, धर्म, अध्यात्म जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही हर साल किसी विशेष या विषय या शास्त्र को कवर करने वाला एक विशेष अंग भी ये पत्रिका निकालती है। अब एक बार जान लेते हैं कि गीता प्रेस को जो पुरस्कार मिला है, यानी गांधी शांति पुरस्कार, वो है क्या। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत साल 1995 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। हर साल ये पुरस्कार महात्मा गांधी के आदर्शों की याद दिलाने के तौर पर दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले का भारतीय या भारतीय संगठन का होना अवश्य नहीं है। इस पुस्तक के तहत 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपको बता दें कि अब तक इसरो, रामाकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विवेकानंदा केंद्र, अक्षय पत्र, एकल अभियान ट्रस्ट और सुलभ इंटरनेशनल जैसे संस्थानों को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। साल 2019 में ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान सायद अल सायद को भी मिला था और साल 2020 में ये पुरस्कार पोस्टमसली बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। तो ये था गीता प्रेस का पूरा विवरण।
गीता प्रेस कैसे बना, काम कैसे करता है, ये हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि गीता प्रेस से रिलेटेड हम और वीडियोस बनाएं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें एबीपी लाइव।